नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लीगल लैंग्वेजेस, ठीक है, जो कि सिक्स सेमेस्टर का पार्ट है ज़्यादातर लोगों के यहाँ, जो यूपीएससी में भी और जगह भी, सॉरी यूपीटीयू में और जगह भी, सीसीएस, इन सब जगह में। चलो बिना देरी करे इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ लीगल लैंग्वेज, ये लीगल लैंग्वेज होता क्या है? देखो भाई, लीगल लैंग्वेज का सिंपल सा वर्ड है, ऑल लीगल वर्ड्स, सारे कानूनी शब्द प्लस द पर्सन वो प्रैक्टिस इट इक्वल टू लीगल लैंग्वेज। अरे भैया, जो जितने भी कानूनी शब्द हैं और जो उनको प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उन दोनों को जोड़े जाए तो लीगल लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। या आप लीगल लैंग्वेज को लीगल इंग्लिश कहते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ घुमाऊ कह दिया, अब आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। अगर कोई भी लीगल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि यूज़ की जाती है उन लोगों के द्वारा जो कि लीगल को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, लीगल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि यूज़ की जाती है उन लोगों के द्वारा जो कि लीगल को प्रैक्टिस करते हैं। जब वे लोग अपने डे टू डे कार्य के अंदर, अपने काम के अंदर उसको, उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, लीगल वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उसे ही लीगल लैंग्वेज कहा जाता है, नॉन एज लीगल लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में हिंदी में समझा दिया। ये जब कोई व्यक्ति जो कि लीगल को अपना ऑक्यूपेशन बनाता है, प्रोफेशन होता है, और अपने डे टू डे वर्क में अपने लीगल वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उसे ही लीगल लैंग्वेज कहते हैं। इसे इंग्लिश में समझते हैं। लीगल लैंग्वेज मीन्स, लीगल लैंग्वेज का मतलब होता है लैंग्वेज यूज बाय द पर्सन, लैंग्वेज यूज की गई उन पर्सन के द्वारा, दोस पर्सन उन पर्सन के द्वारा, विच आर कनेक्टेड टू द लीगल प्रोफेशन, जो कि कनेक्टेड है लीगल प्रोफेशन से, सो दैट द पर्सन विच इज कनेक्टेड टू द लीगल वर्क वाइल द यूज्ड लीगल टर्मिनोलॉजीज, द लीगल वर्ड्स इन देयर प्रोफेशन इन डे टू डे वर्क, नॉन एज लीगल लैंग्वेज, उसे लीगल लैंग्वेज कहते हैं। तो मैंने सिंपल से कह दिया, कोई भी व्यक्ति जो कि लीगल को प्रोफेशन है जिसका, जो उसे प्रैक्टिस करता है और जब उन वर्ड्स को यूज़ करता है अपने दिन डे टू डे कार्य में, तो उसे लीगल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है भैया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया लीगल लैंग्वेज का सिंपल सा डेफिनेशन। अब बात करते हैं कौन कौन से पर्सन लीगल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या कौन लीगल को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहला लेजिस्लेचर, जो कानून बना रहा है उनको लीगल लॉ की नॉलेज होती है, वो लॉ को प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि लॉ बना रहे हैं वो, तो भैया। दूसरा लॉयर और एडवोकेट, क्योंकि वो तो उसको प्रैक्टिस कर रहा है ना, लेजिस्लेचर ने बनाया तो वो उसके अंदर इंक्लूड हो गया, लॉयर हो गया उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा है। जज उसके ऊपर डिसीजन दे रहा है तो वो हो गया। जुडिशरी, जूरिस्ट क्या होता है, जूरिस्ट कंपनीज के अंदर होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं लोग के, आजकल प्राइवेट कंपनी जूरिस्ट हायर करती है जो कि एक्सपर्ट होते हैं, कानून के जानकार जिन्हें बोला जाता है, तो वो लोग यूज़ करते हैं लीगल लैंग्वेज का। प्लस लीगल एडवाइजर्स, हमारे लीगल एडवाइजर्स होते हैं, तो कौन कौन से, लेजिस्लेचर, लॉयर, जजिस, जूरिस्ट और लीगल एडवाइजर्स। और लीगल लैंग्वेज क्या है, लीगल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है उन लोगों के द्वारा जो कि यूज़ कर रहे हैं, जो कि प्रोफेशन में है, लीगल प्रोफेशन में, और अपने डे टू डे काम में वो लीगल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, नॉन एज लीगल लैंग्वेज, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस में महत्व क्या है भैया, देखो अगर कोई हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर है तो जब तक उसकी हेल्थ की टर्मिनोलॉजी उसे नहीं पता होंगी तो वो उसे यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई बैंकिंग में है तो उसको बैंकिंग के वर्ड पता होने चाहिए, CA टर्मिनोलॉजी जो भी होती हैं, ठीक है, लेज़र क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, रिसिपिएंट क्या होता है। अगर वो बिजनेस में है तो उसे बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, अगर वो लॉ में है तो उसे लॉ की टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। अगर वो इन्हें टर्मिनोलॉजीज नहीं पता, अगर कोई बंदा किसी भी स्पेसिफिक फील्ड का से टर्मिनोलॉजीज नहीं पता, तो उसके लिए वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो एज एन लीगल प्रोफेशनलिस्ट, अगर आप लीगल प्रोफेशनलिस्ट हैं तो आपको क्या क्या आपके अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए ट्रांसलेट करने की, किस चीज़ को ट्रांसलेट करने की, जजमेंट, कोई जजमेंट है, कोई स्टैट्यूट है, कोई एक्ट है, कोई लॉ है, उसको आपको ट्रांसलेट करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू प्रेजेंट, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए प्रेजेंट करने की योर केस इन अ वन सेंटेंस, आप अपने पूरे एक अपने केस को एक सेंटेंस में कह दें, ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी पूरी ओपिनियन, जो आपके आपकी जो ओपिनियन है वो एक वर्ड से दे दें, एबिलिटी टू प्रेजेंट योर ओपिनियन इन वन वर्ड, ठीक है, एबिलिटी टू प्रेजेंट योर केस इन वन सेंटेंस, ठीक है। और आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए ड्राफ्ट करने की, बनाने की लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक नोटिस, डीड, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स डीड, ठीक है भाई। इसीलिए इंपॉर्टेंस है, अगर आपको लीगल लैंग्वेज नहीं आती, इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लीगल लैंग्वेज, इफ यू डोंट नो द लीगल लैंग्वेज, देन यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जजमेंट, व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज एक्ट, व्हाट इज स्टैट्यूट, व्हाट इज शेड्यूल, व्हाट इज सेक्शन। सो लीगल लैंग्वेज इज दैट्स व्हाई मैंडेटरी, मैंने आपको इसका वो भी बता दिया ये मैंडेटरी क्यों है, ठीक है। एक लीगल लैंग्वेज का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, आने वाली उसमें हम पढ़ेंगे
इंग्लिश लीगल लैंग्वेज में ग्रामर प्रोफेसी या इंग्लिश प्रोफेसी के हम आगे डिस्कशन करेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.